एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। अनंत में आपके पास हमने देखा है हर तरह का इंसान आता है। जहाँ एक तरफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज गोइंग यूथ आते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत बुजुर्ग लोग भी आते हैं। एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग है तो दूसरी तरफ अल्प शिक्षित लोग भी हैं। आप जो भी बात करते हैं उसमें गहराई और गंभीरता दोनों ही है। आपकी भाषा सरल है लेकिन सब्जेक्ट मैटर गूढ़। फिर भी जो व्यक्ति यहाँ आता है वो सुकून महसूस करता है। वो क्या चीज़ है जो सारी समझ से परे सबके हृदय को झंकृत करती है? कृपया कुछ कहें। सुकून, हर व्यक्ति को उसी की तलाश है। शांति, पीस ऑफ माइंड। बातें समझाना तो देखिए आसान है, उनको जीना कठिन है। और जब आप अपनी टीचिंग्स को जीते हैं, जो आप टीचिंग दे रहे हैं और उसको जीते भी हैं, तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपकी पूरी बीइंग से वो रेडिएट होता है। भारत में हम संत या सेज उसी को कहते हैं जिसकी पूरी बीइंग से उसकी टीचिंग रेडिएट होती, यानी कि उसके पूरे होने से उसकी शिक्षाएं, उसकी देशनाएं चारों तरफ फैलती। तो वहां पर शब्दों का प्रयोग किया जाए ना किया जाए, सरल शब्द बोले जाएं, जटिल शब्द बोले जाएं, भाषा कोई भी बोली जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो बात पहुंचती है। और इसीलिए जो गुरु का महत्व भी कहा गया भारत में, हालांकि वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन वो महत्व इसलिए हो जाता है कि कोई शरीर मन जब किसी खास ढंग से इस अस्तित्व में जी रहा होता है तो उसकी प्रेजेंस में हमारे लिए कुछ आसानी होती है, हमारे लिए आसानी होती है। वो आसानी बना नहीं रहा है हमारे लिए, लेकिन आसानी होती है, जो सबको अच्छा लगता है। वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के पूरे वातावरण में वही ऊर्जा, वही तरंग है। और सबसे बड़ी चीज, जिस टीचिंग को अस्तित्व मेरे माध्यम से शेयर कर रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ ये भी कहा जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है। शुरू से कोई एजेंडा नहीं रहा, कोई कल्ट नहीं है, किसी चीज को सही सिद्ध या गलत सिद्ध नहीं करना है, कोई परंपरा नहीं है कि मुझे किसी को इंडोर्स करना है, किसी को इंडोर्स नहीं करना है। और मेरा सबसे बड़ा मंत्र यही है जो अभी मैंने बोला, हु केयर्स। किसी भी चीज के बारे में परंपरा और शास्त्र या कोई किताब या कोई चीज़, उसकी कौन परवाह करता है? हमारी शांति सर्वोपरि है। और ज्ञान जब किसी एजेंडे में बंधेगा, किसी कल्ट में बंधेगा, तो वो शुद्ध नहीं रहेगा, उससे फिर परेशानी होगी। तो जो महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन में, जो हमारी शांति से संबंधित है, वो घटती रही। कभी कभी जो फिनोमेना घट रहा है उसको जब मैं भी देखता हूँ तटस्थ होके, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है और मैं भी बहुत सरप्राइज होता हूँ। देखो, कहीं भी अगर हम देखेंगे तो लोगों के अंदर एक अजीब सी विभाजित करने वाली वृत्ति, वो एक करने वाली बात भी बोलेंगे तब भी वो विभाजित करने वाली वृत्ति। आध्यात्मिक लोगों में तुमको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी अगर तुम बातें सुनो तो उसमें एक टोटलिटी का समावेश हो या टोटलिटी का रिस्पेक्ट हो। बात वो बोलेंगे टोटलिटी का रिस्पेक्ट करने की,
लेकिन फिर उनके अंदर विभाजन आएगा, अच्छा ये तो बहुत बड़ा संत है और ये तो कुछ भी नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति है, और ये बहुत महान व्यक्ति है तो इसने कुछ किया है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, इसने कुछ किया है तो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट। तो ऐसी अगर वृत्तियों को देखें तो ये भी अलग किस्म का फैनेटिज्म है। तो जीवन में क्या हम खास चीज़ों को, खास लोगों को रहने देंगे और बाकियों को रहने नहीं देंगे? जैसे कि मैं कई बार कहता हूँ, कोयल बहुत अच्छा गाती है, कौवा नहीं गाता अच्छा, उसकी काँव काँव से कभी कभी परेशानी भी होती है, तो क्या हम कौओं को बोलने नहीं देंगे, उनको जीने नहीं देंगे? कोयल अच्छा गाती है, हमारा सोच है, हमारा एक नजरिया है। संसार में सब अपने अपने नजरिए की कैद में। यूं तो देखने में लगेगा कि मैं भी एक नजरिया रख रहा हूं, लेकिन ये जो नजरिया है, जब ये घटना शुरू हुआ तो इस सारे नजरिए को डिमोलिश कर देता है, खत्म कर देता है। इसीलिए एक फिनोमेना और भी होता है कि जो लोग बहुत लंबे समय से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर उनसे पूछे कोई कि अनंत श्री की टीचिंग्स को जरा समराइज करें, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, उनके लिए बता पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो कल्टिस्ट होता तो तुरंत कुछ पॉइंट बता देते, किसी परंपरा, किसी एजेंडे का हिस्सा होता तो तुरंत बता देते, लेकिन उनके लिए बड़ी मुश्किल, वो कहेंगे अच्छा लगता है। और इसीलिए छोटा बच्चा से लेके बड़ा बुजुर्ग और किसी भी क्लास, किसी भी इंटेलेक्ट, सारे लोग हमारे यहाँ दिखते हैं। कोई मुश्किल नहीं है किसी के यहाँ पर प्रेजेंट होने में, कोई कैटेगराइजेशन नहीं, क्योंकि मैं कैटेगराइजेशन की तरह से कभी किसी को नहीं देखता। मेरे लिए एक सेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो एक सामान्य व्यक्ति भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अस्तित्व में सब उतना इम्पॉर्टेंट है भी। क्या हमको लगता है कि जो जंगल में शेर घूम रहा है वो बहुत जरूरी है, और जो हमारे घर में मक्खी बैठी है वो गैर जरूरी है? हम मार देते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम उनको मार पाते हैं तो इसलिए लगता है वो गैर जरूरी है। शेर को मार पाना मुश्किल है तो इसलिए लगता है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अस्तित्व में कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट क्यों होगा? यहाँ पर तो जो होगा वो उस डिजाइन का हिस्सा ही होगा, उस कंप्लीट डिजाइन का हिस्सा होगा। तो ये जो डिवाइसिवनेस है, ये हटाने की पूरी जरूरत है, जो कि हमने हमेशा इसी तरह से उसको रखा। और मुझे लगता है कि जो भी ये यात्रा चल रही है, इसमें कम से कम इस डिवाइसिवनेस से कोई भी ग्रस्त नहीं होता है। जब कम यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो उतनी देर के लिए उसके अंदर से सारे विभाजन गिर जाते हैं। आप देखिए, जब यहाँ पर लोग बैठते हैं, ये आपको सिस्टम बता रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, केवल क्या फिनोमिना होता है उस फिनोमिना को समझिए। आप ये जान भी नहीं सकते हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों को देखकर, यहाँ कौन बहुत सीनियर मेडिटेटर है और कौन अभी अभी आया है और कौन इनलाइटनमेंट तक पहुँच चुका है और किसने अभी बस कदम बढ़ाना शुरू किया, आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि किसी के लिए कोई स्पेशल सीट नहीं है, स्पेशल वेलकम नहीं है, सब एक जैसा। क्योंकि ईमानदारी से मेरे लिए सबके लिए एक ही जैसा प्रेम, एक ही जैसा सम्मान। फिर जब बात उठेगी तब कहेंगे नहीं, व्यवहार में जब आता है तो एक जैसा नहीं रह जाता, फिर वो इंटरकनेक्शन से चीज़ें मूव होने लगती हैं। इंटरेक्शन जब होगा तो ये हमेशा इंटरकनेक्टेड होगा ना, तो उस तरह से वो मूव करेगा, वो एक अलग चीज़ है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसका आज के वक्त में मैं समझता हूँ होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से चल रहा है, इसकी मुझे खुशी है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना ज़रूरी है। मैंने लोगों से हमेशा ये कहा है कि इधर जो मेरा काम बन रहा है वो रिडिफाइन करने का बन रहा है, तमाम बातों को रिडिफाइन करेंगे।
ये मैंने नहीं सोचा कि मुझे करना है, इट इज हैपनिंग। अस्तित्व को जरूरत होगी, एग्जिस्टेंस की नीड होगी, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। और कल को मुझे ना बताने की जरूरत हो तो मैं उसकी भी परवाह नहीं करता। यानी कि मेरे एजेंडे में ये क्लियर नहीं है कि आने वाले 10 साल 20 साल तक मैं ये डिस्कोर्स देता ही रहूँगा या इस तरह समझाता भी ही रहूँगा। कल को कोई वेब घूमे, हो सकता है मैं समझाना बंद कर दूँ। कुछ नहीं पता, कल का कुछ नहीं पता, क्योंकि जब ये रोल मेरे पास आया तो इस रोल को लेने का भी कोई मेरा इरादा नहीं था। पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं इस चीज़ को। रोल आया, रोल की हैपनिंग हुई, ये सिलसिला चल गया। यानी कि मैं सोच के नहीं बैठा था कि भाई एक दिन टीच करना है, प्रीच करना है। इस चीज़ से तो मैं भाग रहा था, एग्जिस्टेंस ने वहाँ पे डाल दिया तो वो शुरू, क्योंकि उसकी ज़रूरत होगी एग्जिस्टेंस की वहाँ पर, तो वो हैपनिंग हो गई। ये एक नेचुरलनेस पैदा कर रही है, ये एक नेचुरलनेस लोगों के जहन में भी नेचुरलनेस पैदा कर रही है और उनके अंदर से गिल्ट को ख़त्म कर रही है और उनके किसी भी तरह के प्राइड को ख़त्म कर रही है। नो गिल्ट नो प्राइड। तो मेरी प्रेजेंस और मेरी टीचिंग का ये एक एसेंशियल पार्ट है। अगर आप बड़े मेडिटेटर हो जाते हैं तो भी आपका एक प्राइड, आप नहीं हो पाते हैं तो आपका एक गिल्ट। यहां पर कोई प्राइड नहीं, कोई गिल्ट नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा, सभी को लगेगा। इस चीज को बच्चे भी महसूस कर लेंगे, इसको बुजुर्ग भी महसूस कर लेंगे, शिक्षित अशिक्षित सभी लोग महसूस कर लेंगे, क्योंकि सभी को यही चाहिए। सभी जीवन को शांति से अच्छे से जीना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल आई थिंक।